Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 6th standard SS subject, okay? हम 6th standard का SS subject start करेंगे. हमारा history part, okay? History का करेंगे हम 3rd chapter, From Hunters to Farmer. Hunters to Farmer के बारे में आज सीखेंगे. किस तरह से वो लोग खेती बाड़ी start किया, ठीक है? शिकार करते थे ना पहले, तो फिर उससे खेती बाड़ी किस तरह से स्टार्ट किया उसके बारे में पढ़ेंगे. देखो, नैलोथिक एज और न्यू स्टोन एज. पहले तो नैलोथिक एज और न्यू स्टोन एज के बारे में देखेंगे. अबाउट 10,000 years ago अवर एनसिस्टर्स. देखो, हमारे एनसिस्टर्स जो रहते थे 10,000 साल पहले, वो नैलोथिक एज में रहते थे. उसको हम न्यू स्टोन एज भी कह सकते हैं. मैन लाइफ चेंज इन दिस पीरियड ड्यू टू फ्यू मेजर अचीवमेंट. तो मैन का लाइफ चेंज हुआ कुछ कामयाबी के वजह से. उन लोग ने कुछ हाजिर किया था, जैसे कि बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के वजह से. इन्वेंशन ऑफ व्हील, जैसे कि टायर वायर सब इन्वेंट किया उसके वजह से. मेकिंग ऑफ पॉटरी, मटका वटका बनाने लगे उसके वजह से भी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आए. किस किस चीज़ों की वजह से बच्चों? तो खेती बाड़ी स्टार्ट किया उसके वजह से, टायर वायर बनाने लगे उसके वजह से, और पॉटरी मटका वटका बनाने लगे उसके वजह से. इन्वेंशन ऑफ व्हील्स, ठीक है? देखो, द फर्स्ट स्टेप इन अ मैन एडवर्ट. देखो उसका कैसा था एडवर्स, कुछ भी उन लोग ने सीखा ना, कुछ काम करके फिर उन्होंने कुछ सीखा, है ना? नैलोथिक एज वॉज दैट मैन हैड लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस. उन्होंने कुछ भी सीखा है उनके एक्सपीरियंस की मदद से सीखा है. एंड हैड स्टार्टेड मेकिंग वेराइटीज ऑफ स्टोन टूल्स. वो लोग ने बहुत तरह के स्टोन टूल्स बनाए हैं, एग्जिस्टिक, ये सब अलग अलग तरह के स्टोन टूल्स बनाए हैं, हथियार बनाए हैं, एरो, वो सब, ठीक है? तो देखो आगे, दिस टूल वेर मस्ट शार्प, एकदम नोकीले होते थे और अच्छे से बेटर पॉलिश होते थे. सच टूल हैव बीन फाउंड इन नैलोथिक साइट. वो कहाँ मिलते थे? नैलोथिक साइट पे मिलते थे, ऑफ एन इंडिया सब कॉन्टिनेंट. कौन से? जम्मू कश्मीर, बिहार, कर्नाटका, ये सब, ठीक है? अभी देखो, द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग. अभी खेतीबाड़ी की शुरुआत किस तरह से हुई थी वो देखेंगे. एग्रीकल्चर वॉज द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ दिस पीरियड. खेतीबाड़ी सबसे पहला डिस्कवरी था उनका, है ना? सबसे बड़ा डिस्कवरी था, ठीक है? क्या बच्चों? तो खेतीबाड़ी. नथिंग इज नोन एज हाउ कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप स्टार्टेड. तो किसी को पता नहीं था कि खेतीबाड़ी किस तरह से स्टार्ट हुई थी, उसकी असली रियल स्टोरी क्या है. देखो, ये भी हो सकता है डिस्पर्शन ऑफ सीड, जैसे कि बी प्लांट से अलग होके यहाँ से वहाँ गया होगा तो उसके वजह से हुआ होगा, है ना? तो देखो डिस्क्रिप्स, अभी देखो क्या बताया है. सीड माइट बी हैव स्प्रेडेड एंड स्ट्रगल द लिंक बिटवीन द सी. देखो, सीड्स एंड प्लांट्स टू द नैलोथिक मैन वेन एवर. देखो पहला क्या उगाते थे? वीट एंड बैरली वेर द फर्स्ट सीरियस ग्रोन. कौन सा चीज उगा करते थे? वीट और बार्ली, ठीक है? फिर देखो, स्टिल वैन हैव बीन फाउंड एट मैनी नैलोथिक साइट्स. बहुत सारे जगहों पे वो मिलता था. माइट हैव बीन यूज फॉर हार्वेस्टिंग द क्रॉप. खेतीबाड़ी करने के लिए ये यूज़ होता था. दोज फॉर्म फूड गैदर, खाना जमा करते थे. मैन बिकम अ फूड प्रोड्यूसर. पहले वो क्या करते थे? खाना जमा करते थे. फूड गैदरर्स से वो लोग क्या बने थे बच्चों? फूड प्रोड्यूसर बने थे. फूड उगाने लगे थे ना. एग्रीकल्चर मीन्स दैट अर्लियर मैन लाइफ बिकम मोर सेटल. जैसे ही खेतीबाड़ी स्टार्ट हुई तो उससे क्या हुआ बच्चों? जो वहाँ के लोगों का लाइफ सेटल होने लगा. धीरे धीरे वो लोग और अच्छे से रहने लगे. जैसे वो लोग खाने की तलाश के लिए इधर उधर नहीं जाने लगे. एक ही जगह पे वो लोग काम करके वहाँ पे खेतीबाड़ी करके वही खाना यूज़ कर सकते थे, है ना? ही डिड नॉट हैव टू वंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड. खाने की तलाश में उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता था, है ना? इन सर्च ऑफ फूड. द प्लेस वेयर मैन सेटल डाउन डेवलप्ड इनटू विलेज. और जहाँ वो लोग रहना स्टार्ट किए वो कहाँ, किस में डेवलप्ड हो गया बच्चों? गांव में गांव के फॉर्म में, विलेज के फॉर्म में डेवलप्ड हो गया. फैमिली यूनाइट केम इनटू द एग्जिट. फिर क्या हुआ? फैमिली एग्जिट में आने लगी. फैमिली सिस्टम स्टार्ट होने लगा, है ना? फिर देखो, यूनिट ही स्टार्टेड लिविंग इन मड हाउस. वो मट्टी के घर में रहने लगा. नियर द फील्ड, खेत के बाजू में वो लोग घर बना के रहने लगे. एज मोर ऑक्यूपेशंस बिकम नोन, जैसे ही जैसे उन्हें और काम कमाने का जरिया, काम करने का जरिया पता चलने लगा, ठीक है? तो वो लोग ने क्या किया? स्टार्टेड, देखो फिर वो लोग ने, है ना, रिविजन ऑफ लेबर स्टार्टेड.
तो काम बांटना स्टार्ट कर दिया कि ये काम करेगा वो काम करेगा, ठीक है। तो देखो मैन ने क्या टूक किया, तो मैन टूक केयर ऑफ एग्रीकल्चर, तो आदमी लोग क्या करते थे, खेती बाड़ी का ध्यान रखते थे, फिर हंटिंग करते थे और वेपन्स बनाते थे। क्या करते थे, खेती बाड़ी यानी एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी, हंटिंग यानी शिकार करना, और मेकिंग ऑफ वेपन्स यानी हथियार बनाना। वुमेंस लुक आफ्टर द हाउस एंड द चिल्ड्रन, तो वुमेंस क्या करती थी, घर का देखभाल करती थी और बच्चे लोग का ध्यान रखती थी। ड्यूरिंग द नेलोथोलिक एज मैन स्टार्टेड यूजिंग पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, तो वो लोग देखो ये टाइम पे क्या करते थे, मैन लोग पॉलिश टूल यूज़ करते थे, ठीक है। फिर देखो डोमेस्टिक एनिमल वो लोग एनिमल्स को पालने लगे। फिर अब एक गांव में है ना, सेटल इन अ विलेज एज अ टर्म्स, देखो अभी क्या हुआ, फिर जैसे कि कल्टिवेशन कल्चर डेवलपमेंट हुआ, नेलोथिक एज वेरियस ज्योग्राफिकल लोकेशन में आया, जैसे कि साउथ इन साउथ वेस्ट एशिया में नेलोथिक कल्चर कहाँ था अप्रोप्रिएट, सम अबाउ 10,000 BCE में, द बिगनिंग ऑफ नेलोथिक एज इन, शुरुआत कब हुई थी नेलोथिक एज साउथ एशिया में, तो वहाँ पे 7,000 BCE के उधर तब तक हुई थी। फिर रिमेन्स ऑफ फूड प्रोड्यूसिंग का कब हुआ था, साउथ ईस्टर्न एशिया में, वो भी बताया है इटली और उसका, ठीक है डेट। फिर देखो फिर हैव बीन डेटेड टू अराउंड 6,500 BCE विच द नेलोथिक कल्चर रीच नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप अराउंड 4,500 BCE बिगनिंग ऑफ अर्लीस्ट ह्यूमन सेटलमेंट। अभी हम क्या पढ़ेंगे बच्चों कि किस तरह से शुरुआत हुई थी सेटलमेंट की, ठीक है। द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, देखो किस तरह से स्टार्ट हुआ था, पहले तो एग्रीकल्चर की स्टार्ट हुई थी। प्रैक्टिस कम्प्लीटली चेंज द लाइफ ऑफ ह्यूमन, जैसे ही खेती बाड़ी करने लगे तो ह्यूमन का लाइफ क्या हो गया बच्चों, चेंज हो गया है ना। इन ऑर्डर टू कल्टिवेट लैंड एंड फूड क्रॉप, देखो इन ऑर्डर टू कल्टिवेट लैंड एंड ग्रो क्रॉप्स, जैसे ही वो लोग ने ज़मीन पे खेती बाड़ी करने लगे, क्रॉप्स उगाने लगे, मैन नीड वाटर, तो उन्हें क्या चाहिए था, पानी। तो पहले जैसे खेती बाड़ी स्टार्ट करने लगे तो वो लोग ज़मीन पे खेती बाड़ी करने लगे, फिर उन लोग को क्या चाहिए था बच्चों, पानी चाहिए था। सो ही बिगेन टू सेटल नियर द बैंक ऑफ द रिवर एंड लेक, तो वो लोग कहाँ रहने लगे बच्चों, नदी तालाब के बाजू में है ना, तो क्या हो उन्हें पानी ढूंढने में ज़्यादा तकलीफ ना हो और खेती बाड़ी अच्छे से हो जाए। इन प्रॉपर डिगिंग एरिया, तो ऐसे एरिया में वो लोग रहने लगे जहाँ खेती बाड़ी आसानी से हो जाए, ठीक है। इंस्टेड ऑफ केव, पहले स्टार्टिंग में वो लोग केव में रहते थे, जैसे ही खेती बाड़ी स्टार्ट की तो वो लोग क्या करने लगे, फार्म के बाजू में जहाँ पे वो खेती बाड़ी करते थे उसके बाजू में। फिर वो लोग ने ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पे पानी अच्छे से मिले, तो क्योंकि खेती बाड़ी करने के लिए पानी भी चाहिए होता है ना, तो वो लोग ने ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पे पानी आसानी से अवेलेबल हो, तो लोग नदी तालाब के आसपास रहने लगे अपना घर बना के, है ना। फिर देखो कैसे घर बनाते थे, तो मिट्टी का घर बनाते थे और छत बनाते थे, रूफ बनाते थे, ठीक है बच्चों। फिर देखो कल्टिवेटेड द हाउस डेवलपमेंट इन द विलेज, देखो छोटे छोटे घर बनाते थे मिट्टी का, फिर वो किस में कन्वर्ट हुआ, छोटे छोटे घर एक साथ आजू बाजू में रहते हैं तो विलेज में कन्वर्ट हो गया, है ना। कल्टिवेटेड ऑफ दिस हाउस डेवलपमेंट इन टू अ विलेज एंड मैन बिगेन टू लिव इन अ कम्युनिटी, तो इससे किसकी शुरुआत हुई बच्चों, कम्युनिटी की। पहले तो वो लोग क्या करते थे, खेती बाड़ी करना स्टार्ट किए, खेती बाड़ी के लिए उन्हें ज़मीन पानी वो सब चाहिए, तो वो लोग ऐसी जगह पे रहने लगे जहाँ पानी इजीली अवेलेबल हो, जैसे कि नदी तालाब, तो वो लोग नदी तालाब के बाजू में रहने लगे। पहले वो केव्स में रहते थे, तो अभी किस में रहने लगे, मिट्टी का छोटा छोटा घर बना के रहने लगे, और वो जो छोटे छोटे घर है वो एरिया को क्या बोलेंगे, वो लोग विलेज में कन्वर्ट हो गया है ना, तो इसी तरह वो लोग कम्युनिटी में रहने लगे, ठीक है बच्चों। अभी हम क्या देखेंगे, लर्निंग टू रेयर एनिमल, ठीक है, वो लोग ने एनिमल्स को पालना किस तरह से सीखा वो सब देखेंगे। इन एडिशन टू बिकमिंग अ फार्मिंग, जैसे उन लोग ने फार्मिंग किया, फिर उन्होंने एक और चीज़ सीखी, तो ह्यूमन बिगेन्स बैंक द फिर वो लोग ने डोमेस्टिक एनिमल पाने लगे, पालतू जानवर पाने लगे, जैसे कुत्ता घोड़ा है ना, तो कौन से एनिमल पालने लगे वो देखेंगे। डोमेस्टिकेट एनिमल्स लाइक डॉग हॉर्स गोट डोंकी शीप एक्सेट्रा, ये सब एनिमल्स वो लोग पालने लगे। द फर्स्ट एनिमल टू बिल्ड हिम, सबसे पहले जानवर वो लोग ने क्या पाला, डॉग पाला। क्या पाला बच्चों, डॉग्स। एनिमल्स ब्रॉट, देखो वो लोग एनिमल्स उन्हें क्या देते थे, दूध मीट है ना, अलग अलग एनिमल्स उन लोग को ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे। फिर कुछ एनिमल्स उन लोग को बाहर सामान उठाने में मदद करते थे। क्या देखो
एनिमल्स प्रोवाइड्स मिल्क मीट एंड इवन कैरीड बर्डन्स टू देयर बैक. और कुछ कुछ एनिमल भारी सामान उठा के लेके जाने में मदद करते थे. एनिमल्स लाइक गोट शीप वेयर रेयर इन ईयर. कौन से एनिमल्स ज़्यादा पाले गए थे वहाँ पे? गोट और शीप. मैन इवन स्टार्टेड क्लोचिंग डैम फॉर वाइल्ड एनिमल. और वो जंगली जानवर के लिए भी वो लोग उसको रखने लगे. दिस इज हाउ दे बिकम हेडेड. तो इससे वो लोग हेडेड बने. फिर अभी हम देखते हैं डेमो, अभी हम आगे पढ़ेंगे बच्चों. अभी हम डोमेस्टिकेशन के बारे में पढ़ेंगे. किसके बारे में बच्चों? डोमेस्टिकेशन एज द डिस्क्राइब मैन कैन कंट्रोल. देखो ऐसे बताया गया है कि मैन प्लांट्स और एनिमल दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम चाहें तो हम प्लांट्स और एनिमल दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं. एज डिस्क्राइब मैन कैन कंट्रोल सर्टन प्लांट्स. कुछ कुछ प्लांट्स, ऐसे नहीं कि सबको ही, कुछ कुछ प्लांट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि किस तरह से वो उगे. ठीक है, सर्टन प्लांट्स एंड एनिमल, ऐसा नहीं बोल रहे कि सब प्लांट्स को कंट्रोल कर सकते, सब एनिमल को कंट्रोल कर सकते, ऐसा नहीं है. कुछ कुछ ही प्लांट्स, कुछ कुछ ही एनिमल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम चाहे तो. इफ़ ही वॉन्ट्स टू ही कैन कंट्रोल हाउ प्लांट्स ग्रो. हम क्या देख सकते हैं कि किस तरह से प्लांट्स उगे, है ना. He can control the movements of the animal. और हम लोग control कर सकते हैं movements animal के, है ना. हम animals के movements को control कर सकते हैं. And train them. हम उसे, देखो अगर हम कुत्ता बिल्ली पालते हैं तो उसको हम train कर सकते हैं ना कि इस area में मत जाओ, इधर जाओ, ऐसे रहो. तो हम लोग उसको training दे सकते हैं उस तरह से. ठीक है बच्चों, तो कुछ एनिमल्स को हम बोल सकते हैं कि मतलब पालते हैं तो हम उसे समझाते ना कि ऐसे नहीं जाते, ऐसे करते नहीं, इधर नहीं जाते, वो सब लिमिट एरिया में जाने का ऐसे कर सकते हैं. ठीक है, तो देखो एनिमल को हम क्या कर सकते हैं, देम टू स्टे इन अ लिमिटेड एरिया एंड नॉट वंडर. तो हम लोग बोल सकते ना इतने ही एरिया में जाने का, यहाँ वहाँ नहीं घूमने का. ही कीप कंट्रोल्स एंड टेक केयर ऑफ दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स सो दे विल बी यूज टू हिम वन डे. तो वो क्या होगा, वो लोग इस पर कंट्रोल रखते, उनका ध्यान रखते, देखभाल करते. क्यों? क्योंकि ये एक ना एक दिन उन्हें काम आएगा. वैन मैन सेटल, देखो वैन मैन, जब मैन सेटल हो गया. ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लांट्स, तो लोग ऐसे प्लांट, टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल को रखते थे. कीप अंडर हिम केयर एंड कंट्रोल, वो लोग ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स का देखभाल करते थे जिसको ज़्यादा मेहनत नहीं लग गई, उसका यूज़फुल हो, उनके जीने में हेल्प करे. ठीक है, एंड यूज़ देम फॉर हिज सर्वाइवल, मतलब जीने के लिए वो यूज़ कर सके. ऐसे एनिमल और प्लांट वो लोग उगाते थे और पालते थे. ऐसे एनिमल वो लोग पालते थे जिनका वो हेल्प लेके सर्वाइव कर सके, और ऐसे प्लांट्स उगाते थे जिनके हेल्प से वो सर्वाइव कर सके. ठीक है, जी सके दोनों प्लांट्स और एनिमल के थ्रू. ठीक है, अभी देखो वी कॉल इट डेमो. फिर इसे हम क्या करते हैं, इसे हम डोमेस्टिकेशन बोलते हैं. ही मे कंज्यूम लाइक, जैसे कि देखो प्रोडक्ट कौन से, देखो मिल्क प्रोडक्ट देता है एनिमल, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कौन देता है, प्लांट्स देता है ना. तो देखो ही मे कंज्यूम द मिल्क प्रोड्यूस बाय द एनिमल, वो लोग दूध देते हैं एनिमल्स वो ले सकते हैं, फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट्स ले सकते हैं, है ना, प्लांट्स हमें फ्रूट्स देते हैं. द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेन इज दैट मैन डेमोक्रेट, देखो डोमेस्टिकेटेड एनिमल दैट वेयर ऑफ यूज टू हिम इन सम वे. वो लोग ऐसे एनिमल्स पालते थे, जो किसी ना किसी तरह उन्हें यूजफुल हो. ही ऑल्सो, देखो डोमेस्टिकेट ओनली दोज एनिमल दैट, दोज एनिमल एंड प्लांट दैट वेयर नॉट टू डिफिकल्ट टू लुक आफ्टर. वो लोग ऐसे प्लांट्स उगाते थे, ऐसे एनिमल्स पालते थे जिस पे ज़्यादा देखभाल नहीं करना पड़े, ध्यान नहीं रखना पड़े, ऐसे प्लांट्स और एनिमल वो रखते थे. ठीक है, फिर देखो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि देखो वीट और बैरली, ये आसानी से उगता था, उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. ठीक है, कैन ग्रो इवन विद लेस वाटर, कम पानी के साथ वो उगा सकते थे. एंड देयर आफ्टर दिस वेयर सम ऑफ द फर्स्ट क्रॉप्स टू बी कल्टिवेटेड. इसलिए शायद ये फर्स्ट क्रॉप होगा कल्टिवेटेड का, क्योंकि उसको ज़्यादा देखभाल की, मतलब ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, है ना, तो इसलिए वो आसानी से हो जाता था, तो इसलिए वो लोग ने ये उगाया होगा. ठीक है, अभी देखो इम्पोर्टेंस, अभी हम क्या देखेंगे बच्चों, इम्प्रूवमेंट्स इन टूल. अभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा स्टार्ट हो रहा है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ टूल कैसे हुआ था. ठीक है, वो देखेंगे. तो नेलोथिक मैन यूज न्यू एंड डिफरेंट टूल्स. नेलोथिक मैन क्या नया टूल यूज़ करते थे. ठीक है, दे यूज ब्रिसल टू मेक टूल्स सच एस, वो लोग क्या स्टिक बनाने के लिए, बेड बनाने के लिए, स्टोन्स बनाने के लिए यूज़ करते थे स्टोन्स. ठीक है, हथियार बनाने के लिए. दिस टूल वेयर नॉट ओनली हार्ड एंड
स्ट्रॉन्ग, और यह एकदम हार्ड और स्ट्रॉन्ग नहीं होता था, बट दे कुड ऑल्सो बी शार्प, वो एकदम नोकीला होता था और पॉलिश्ड होता था, सो दैट दे कुड हैव अ फाइन एज टू कट विथ, तो वो उसका क्या एकदम नोकीला एज होता था ना, जिससे आसानी से काट सके कुछ भी चीज़, ठीक है। अभी इन्वेंशन ऑफ पॉटरी क्या देखेंगे बच्चों, इन्वेंशन ऑफ पॉटरी, टू स्टोर एंड कुक फूड, खाना बचा के रखने के लिए और खाना पकाने के लिए, वेसल्स विथ कोल्ड, देखो वो लोग है ना ऐसे वेसल्स बनाते थे जो जिसमें ग्रेन्स लिक्विड यानी पानी के फॉर्म में कुछ भी सामान हो वो रख सके, एज वेल एज स्टैंड हीटेड, फिर वो लोग ने क्या किया, मिट्टी का बर्तन बनाते थे, उसको फायर पे हीट करते थे तो उससे वजह से वो स्ट्रांग हो जाता था, उसमें कुछ भी स्टोर कर सकते थे, है ना। वी नीडेड मैन लर्न टू मेक क्लेस पॉटरीज, तो उससे क्या ऐसे चीज़ें बनाने के लिए उन लोग को पहले सीखना पड़ा, है ना। तो लोग ने क्या किया, क्ले पॉटरी को बेक करने की शुरुआत की फायर में, द पॉटरीज बिल, तो पहले टायर के हेल्प से वो लोग क्या करते थे, कोई भी साइज का शेप का मटका बना सकते थे किसी भी टाइम पे, एकदम फटाफट बन जाता था शॉर्ट टाइम पे, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, द पॉटरी बिल एनेबल, तो उन लोग को मदद करता था अलग अलग साइज के पॉट्स बनाने में और कम से कम टाइम में। लेटर मैन ऑल्सो स्टार्टिंग ग्रिलिंग, फिर वो लोग टाइम पॉट्स में डिज़ाइन बनाने लगे, ठीक है बच्चों। अभी हम लार्ज स्केल बिल्डिंग एक्टिविटी देखेंगे, अभी हम क्या देखेंगे, लार्ज स्केल बिल्डिंग एक्टिविटी, और एक्टिविटी में क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें आई वो देखेंगे, ठीक है। तो देखो, बिल्डिंग वॉज अनदर एरिया इन विच नेलोथिक पीपल मेड रिमार्केबल प्रोग्रेसिस, ये दूसरी एरिया है जिसमें वो नेलोथिक एज वालों ने अच्छा सा काम किया था, ठीक है, उन लोग ने नाम बनाया था अपना। दे यूज, तो लोग क्या यूज़ करते थे, मट्टी का ब्रिक बनाते थे, मट्टी का ईट बनाते थे घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट हाउसेस, क्या करते थे बच्चों वो लोग, मट्टी का ईट बनाते थे घर बनाने के लिए। द बेस्ट एग्जाम्पल कैन बी फाउंड इन चाटली हायुकी, हायुकी में मिलेगा, वेस्ट एशिया में आता है ये। दे ऑल्सो बिल्ड टोम्बो, टोम्बो बनाते थे बॉडी के लिए, मतलब डेड बॉडी को जलाने के लिए, इन अभी भी यूरोप में, इन यूरोप एंड पर्टिकुलर इन आयरलैंड मैनी सच टोम्बो स्टिल एग्जिस्ट, मतलब यूरोप में ऐसी अभी भी जगह है जहाँ पे वो टोम्बो में डेड बॉडी को रखा जाता है, जलाया जाता है, ठीक है बच्चों। नेलोथिक पीपल इन द ब्रिटिश इलिम बिल्ड लॉन्ग बोरो एंड क्रैम्बल टाउन्स फॉर देयर डेड बॉडी, डेड बॉडी के लिए से बड़ा सा टोम्बोस करके कुछ बनाते थे, ठीक है। अभी देखो इन्वेंशन ऑफ व्हील, अभी क्या पढ़ेंगे बच्चों हम, इन्वेंशन ऑफ व्हील। नेलोथिक मैन देखो, नेलोथिक मैन इंटेलिजेंसी लीड हिम टू इन्वेंशंस, देखो नेलोथिक मैन इंटेलिजेंसी लीड हिम टू इन्वेंट द व्हील, उनकी उनके सोच के वजह से, उनके इंटेलिजेंसी की वजह से वो लोग ने व्हील बनाया, है ना। राउंड ट्रंक, ट्रंक आता है ना झाड़ का, ऑफ अ फीड ट्री, एक ट्री था उसका, वो उन लोग ने काटा, वो लोग ने देखा था तो उसके वजह से कुछ आइडिया उन्होंने। फिर व्हेन ही कट द राउंड ट्रंक ऑफ वुड, उसने गोल्ड काटा, ठीक है, ये देखो आप फोटो में देख सकते हो, इस तरह का गोल था, उन लोग ने जब इसको ऐसे काटा तो जैसे ही वो रोल्ड हुआ, ठीक है, इट माई हैव बीन रोल्ड, तो वो रोल्ड हुआ होगा, हैव रोल डाउन हुआ होगा, है ना। तो फिर इससे क्या उन्हें आइडिया आई होगी, तो उनके दिमाग में आइडिया अकर हुई होगी, उसके वजह से वो लोग ने व्हील बनाया होगा। द इन्वेंशन ऑफ व्हील वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ मैन, तो इसके ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मैन का, है ना, नेलोथिक एज का। एज अ रिजल्ट अ व्हील लीड, तो इससे हम लोग ने व्हील कार्ड बनाया, ठीक है। इट है, तो इससे क्या होता है बच्चों, टू मूव हैवी लोड्स, भारी भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। इट हैव टू मूव हैवी लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इसके वजह से क्या होता था बच्चों, वो लोग हैवी लोड्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते थे। फिर ट्रैवल करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना आसान हो गया था और कम्फर्टेबल हो गया था, है ना। तो देखो, इट हैव टू मूव हैवी लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड मेड ट्रैवल इजियर एंड कम्फर्टेबल, तो इसके वजह से क्या हुआ कि ट्रैवलिंग करना आसान हुआ और कम्फर्टेबल हुआ। द व्हील वॉज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ब्यूटिफुल पॉट्स,
और टायर की मदद से वो लोग क्या करते थे, अच्छे अच्छे पॉट्स बनाते थे, है ना। एज वेल एज फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग इट ऑल्सो हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। तो इसके वजह से आर्ट और क्राफ्ट में भी डेवलपमेंट में हेल्प मिली। फिर देखो कम्युनिटी लाइफ, कम्युनिटी लाइफ किस तरह से स्टार्ट हुई वो देखेंगे बच्चों। विथ द एडवर्स ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे ही मतलब एग्रीकल्चर में चेंजेस आए, एग्रीकल्चर में थोड़े थोड़े आगे बढ़ते गए, है ना, मैन सेटल डाउन, देखो मैन क्या हुआ, वहाँ पे रहना हमेशा के लिए स्टार्ट हो गया एक ही जगह पे। तो मैन सेटल डाउन परमानेंटली एंड बिगेन टू लिव इन विलेज, तो वो लोग वहाँ पे रहने लगे और वहाँ गांव में रहने लगे। एंड नेलोथिक विलेज कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू कॉलोनी, पहले तो छोटे छोटे कॉलोनीज थे, थोड़े कॉलोनीज थे, सराउंडेड बाय द कॉमन फिंस, वो कॉमन फिंस थे, वो लोग मटका दीवार बना के बनाते थे, ठीक है। फिर देखो द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली केम इन टू बिगेन, तो फिर क्या हुआ, फैमिली का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। फैमिली लिविंग इन नेलोथिक विलेज वेर क्लोजली रिलेटेड, तो देखो जो वो विलेज में रहते थे नेलोथिक विलेज में, वो लोग क्या नेलोथिक टाइम में जो गांव बने थे तो उसमें क्या सब क्लोजली रिलेटेड लोग रहते थे, मतलब आसपास में जो रहते थे पहचान वाले रहते थे और सब एक ही कस्टम शेयर करते थे। एंड शेयर द सेम कस्टम बिलीव एंड मेथड ऑफ वर्शिपिंग, मतलब एक ही तरह का विचार भावना थी उन लोग की, एक ही तरह के तरह से भगवान की पूजा करते थे। अ ग्रुप ऑफ सच फैमिली इज कॉल्ड अ ट्राइब्स, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, ऐसे ग्रुप को ट्राइब्स, ठीक है। जैसे कि देखो वो लोग क्या, पहले तो एक कस्टम वो लोग ने कैसे स्टार्ट किया कॉलोनी में, कैसे हुआ था, तो पहले तो अपना छोटा छोटा मट्टी का घर बना के रहने लगे और एक ही तरह के लोग रहने लगे ना वो विलेज में, तो वो लोग का बिलीव कस्टम सब एक ही था और भावना भी एक थी, तो उनसे क्या है, वो क्या है, वो सब ट्राइब्स है, ठीक है। द कस्टम एंड प्रैक्टिस ऑफ एन प्रेजेंट डे ट्राइब्स लिविंग इन ए रिमोट रीजन हैविंग नॉट चेंज, और अभी भी ऐसे लोग हैं जो अभी तक भी बदले नहीं है, ऐसे भी ट्राइब्स अभी तक मौजूद है, अभी भी वो लोग चेंज नहीं हुए हैं। बाय ऑब्जर्विंग डैम, हम उन्हें देख के बता सकते हैं, वी कैन ड्रॉ कॉ, तो हम लोग बता सकते हैं कि उन लोग की लाइफ कैसी थी नेलोथिक ट्राइब्स की, ठीक है। द पीपल ऑफ नेलोथिक विलेज कैरीड आउट एक्टिविटीज लाइक, वो लोग कौन सी एक्टिविटी करते थे बच्चों, फार्मिंग, हर्डिंग, हंटिंग, गैदरिंग एंड फिशिंग इन अ ग्रुप, तो कौन सी एक्टिविटी करते थे बच्चों, फार्मिंग, हर्डिंग, हंटिंग, गैदरिंग एंड फिशिंग इन अ ग्रुप। द ट्राइब्स जनरली ओन नेचुरल वेल्थ, तो लोग के पास नेचुरल वेल्थ ज़्यादा थी, सच एस लैंड, फॉरेस्ट, वाटर सोर्स, ये सब उन लोग के पास ज़्यादा था एक्सेट्रा। हिंस देर में देर वेर नो इनइक्वलिटी, वहाँ पे भेदभाव नहीं होता था विद इन द ट्राइब्स इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, वेल्थ के मामले में उन लोग का भेदभाव कभी नहीं होता था कि मेरे पास ऐसा है ज़्यादा है, वैसा भेदभाव नहीं होता। पॉसिबिलिटी देर डिविजन्स ऑफ वर्क स्टार्ट हुआ कि ये काम ये करेंगे, डेवलप मोस्टली ऑन, देखो डिपेंडिंग मोस्टली, देखो ये देखो डिविजन्स ऑफ वर्क डिपेंडिंग मोस्टली ऑन एज, एज के हिसाब से वो लोग काम डिवाइड करते थे, जैसे कि फिजिकल स्ट्रेंथ, किसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ और सोचने की, बोलते हैं ना कि ये ज़्यादा काम कर सकता है उसके हिसाब से, और मोस्टली एल्डर और स्ट्रॉन्गर एडल्ट मैन को काम लीडर बनाया जाता था। फिर देखो ही मेड रूल एंड रेगुलेशन, उन लोग ने कानून बनाया कि ऐसे ट्राइब्स को काम करना चाहिए। मैन हैड ऑक्यूपाइड सच एज, देखो पहले मैन क्या करते थे, हंटिंग, प्लोचिंग, ग्रीजिंग और लार्ज हर्ब ऑफ एनिमल, ठीक है, बड़े बड़े एनिमलों के साथ करते थे, खेती बाड़ी करते थे, शिकार करते थे वो सब। फिर देखो वुमेन टुक केयर ऑफ, तो अभी वुमेन्स क्या करती थी, घर का ध्यान रखती थी, वुमेन्स टुक केयर ऑफ होम एंड चिल्ड्रन, बच्चे लोग का ध्यान रखती थी और घर का ध्यान रखती थी। फिर वुमेन चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल परफॉर्म लाइट एग्रीकल्चर टास्क, वो लोग हल्का फुल्का एग्रीकल्चर टास्क करते, काम करते, जैसे कि शोरिंग करना, हार्वेस्टिंग करना, ग्रीजिंग करना छोटे हर्ब्स को, ठीक है। फिर देखो प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स फॉर पेट्स के लिए क्रॉप्स प्रोड्यूस करना, जैसे कि बर्ड्स के लिए, ठीक है। बोथ मैन एंड वुमेन वेयर पॉसिबली टुक पार्ट इन पॉट मेकिंग, और मैन और वुमेन दोनों मटका बनाने में हिस्सा लेते थे। वीविंग एंड मेकिंग टूल्स, वेपन्स एंड ऑर्नामेंट्स, और क्या ऑर्नामेंट्स बनाते थे, टूल्स बनाते थे दोनों, मैन एंड वुमेन, ठीक है बच्चों। फिर आगे हम क्या देखेंगे, फिर देखो नेलोथिक एज के बारे में, स्टोन क्रॉप एज के बारे में देखेंगे, ये इसके पहले कल्चर के बारे में देखेंगे, ठीक है। यू हैव रीड दैट मैन यूज मैन ओनली स्टोन, मैन क्या यूज़ करते थे, स्टोन यूज़ करते थे, है ना, पहले तो स्टार्टिंग में स्टोन यूज़ करते थे। फिर द स्टोन एज वॉज फॉलोड बाय अनदर पीरियड व्हेन मैन बिगेन टू यूज़ क्रॉप
देखो बाद में क्या हुआ, कॉपर का इन्वेंशन धीरे धीरे हुआ, ठीक है, वहाँ तभी भी वो लोग स्टोन यूज़ करते थे ऑल अलॉन्ग विद द टाइनी स्टोन इम्प्लीमेंट्स, वो थोड़े थोड़े स्टोन्स भी यूज़ करते थे और कॉपर भी यूज़ करते थे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंड स्टोन कॉपर एज, इसे क्या कहते हैं, स्टोन कॉपर एज कहते हैं, जिसे हम देखो ये है चलको, चलको का मतलब क्या होता है, कॉपर, चलको का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉपर, लिथोस इसका मतलब होता है स्टोन। इन हिस्ट्री इट बिगेन इन अबाउ, ये कब स्टार्ट हुआ था, 4000 BCE में स्टार्ट हुआ, लास्ट टिल 2000 BCE तक हो रहा था, कब तक, कब स्टार्ट हुआ था बच्चों, 4000 BCE से 2000 BCE तक, ठीक है। फिर देखो, फिर चलो थिक साइट्स देखेंगे, किसके साइट्स देखेंगे, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द नेलोथिक पीरियड मैन हैपन टू डिस्कवर क्रॉप्स, तो ये नेलोथिक पीरियड ख़त्म होने से पहले वो लोग ने कॉपर का डिस्कवरी किया था। ही मेड यूज़ ऑफ दिस मेटल टू मेक एक्सिस, वो लोग एक्सिस बनाने में, मतलब वो हथियार वतियार बनाने के लिए, फिर शार्प एज वाले मैनी अदर वेपन्स, और बहुत अलग अलग तरीके के वेपन्स बनाए। ही फाउंड कॉपर, देखो कॉपर बहुत अच्छा था वो उससे वो लोग ने हथियार वतियार बनाने लगे, ठीक है। बीसाइड ही कुड मेल्ट इट, जैसे वो लोग ने पिघलाना स्टार्ट किया उसके वेपन्स बनाने लगे। दोज कॉपर आर फाइन स्टोन टूल्स, फिर कॉपर और स्टोन टूल बनाने लगे, ठीक है बच्चों, वाइल्ड यूज अराउंड दिस पीरियड, तो इस पीरियड में वो लोग यूज़ करने लगे। लेटर ऑन ही फाउंड दैट कॉपर वॉज सॉफ्ट मेटल, तो बाद में उन्हें क्या पता चला, मैं कॉपर क्या है, सॉफ्ट मेटल है। टूल मेड ऑफ दिस मेटल्स वुड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग, तो लोगों को क्या पता चला कि मेटल ऐसे सॉफ्ट टूल है जो ज़्यादा समय के लिए नहीं रख सकते। सो ही मिक्स कॉपर विद द मेटल, तो फिर उन लोग ने क्या किया, कॉपर और मेटल को मिक्स किया, फिर उसके टाइनी टाइनी जिंक वो लोग ने नया मेटल बनाया, उसे ब्रोजिन कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, ब्रोजिन। देयर में आर मैनी प्लेस इन इंडिया वेयर कॉपर टूल और ब्रोजिन एक्स नाइफ हैव बीन फाउंड, अभी भी कौन बहुत सारी ऐसी एरिया है जहाँ पे ब्राउज का एक्सिस और नाइफ मिलते हैं, जैसे कि राजस्थान है, दाइबाद है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में एक प्लेस है, ठीक है, और इन मध्य प्रदेश, फिर देखो फिर मध्य प्रदेश में है, नियर कर्नाटका में भी, कर्नाटका में भी है, ये सब प्लेसेस में अभी भी मिलते हैं। फिर देखो एग्रीकल्चर एंड डेमोस्ट्रिक्स, फिर हमें क्या देखेंगे, एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे और एनिमल, बच्चों हम अभी क्या देखेंगे, एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेट एनिमल्स के बारे में, कि पालतू जानवरों के बारे में देखेंगे और खेती बाड़ी के बारे में देखेंगे। तो देखो ये एज में क्या होता था बच्चों, तो वहाँ पे है ना एडवांस इन मैन लाइफ, उसके वजह से बहुत सारी चेंजेस आए। दोस एग्रीकल्चर वॉज स्टील द, पहले तो अपना क्या मेन ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी का। मैन नाउ कल्टिवेटेड मोर फूड ग्रेन, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रेन उगाने लगे। दोन वेयर नॉन इज एन नेलोथिक एज में, नेलोथिक एज में थोड़ा फूड क्रॉप्स उगाते थे, धीरे धीरे लोग और क्रॉप्स उगाने लगे, ठीक है। बिसाइड वीट एंड राइस, वीट और राइस ही न्यू वेराइटी ऑफ, फिर बहुत सारे पल्सेस जैसे कि मील और कॉटन, बहुत सारी चीज़ें उगाने लगे। ही टीम काउ शीप और गोट बफेलो एंड हर्ब्स डियर्स, ही सीम्स टू हैव नो द कैमल ऑल्सो, फिर बाद में धीरे धीरे सब एनिमल्स को पालने लगे, उनके बारे में जानकारी हाजिर करने लगे। ऑल दिस एनिमल हेल्प्ड मैन इन हिज, तो ये लोग हैं ना देखो, ऑल दिस एनिमल हेल्प्ड मैन इन हिज डे टू डे लाइफ, वो ये एनिमल उनको हेल्प करते थे पूरे डे टू डे लाइफ में, ठीक है। अभी आर्ट एंड क्राफ्ट का देखेंगे, क्या देखेंगे बच्चों, आर्ट और क्राफ्ट का। इट इज़ क्लियर फॉर्म देखो इसमें क्या होता है, एक्सपीरियंस उन लोगों को सबके बारे में पता चला, धीरे धीरे उन लोग का इम्प्रूवमेंट हुआ है ना। दिस एज वॉज एन एक्सपर्ट, देखो इसमें क्या होता था, गुड वर्कर्स स्टोन्स का अच्छा अच्छा काम सामान बनाते थे, ठीक है, वो लोग स्टोन्स में एक्सपर्ट हो गए थे। ही ऑल्सो न्यू द आर्ट ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग, तो उन लोग को वीविंग और स्पिनिंग का आर्ट आने लगा, फिर वो लोग क्या बनाने सब चीज़ें बनाने लगे, वो अभी तक मध्य प्रदेश में यूज़ हुआ जाता है। ही यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉटरी, अलग अलग तरीके के से मट्टी से क्ले से सामान बनाने लगे। द मोस्ट पॉपुलर वॉज ब्लैक एंड रेड, मोस्ट पॉपुलर क्या था, ब्लैक और रेड कलर का। इट वॉज टर्म्स ऑन द व्हील एंड समटाइम पेंटेड एंड विद डिज़ाइन, तो कभी वो व्हील पे बनाया जाता था, कभी कभी उसको पेंट और डिज़ाइन भी किया जाता था। ही बिल्ट हाउस ऑफ मर्ड बिग, कैसे वो मट्टी का ईट का बना के वो लोग घर बनाते थे, है ना, यूज मट्टी का
ईंट बना के वो ईंट घर बनाने के लिए यूज़ करते थे। अभी रिलीजन बिलीफ देखेंगे, क्या देखेंगे बच्चों, रिलीजन बिलीफ। तो देखो, मैन नाउ केम टू हैव सम फिक्स आइडिया अबाउट रिलीजन। फिर धीरे धीरे उन्हें रिलीजन के बारे में कुछ आइडिया मिले। ही वर्शिप, जैसे कि वो लोग सन को, सन, फायर, ट्री, बुल एंड स्नेक की पूजा करने लगे। सम फिगर्स ऑफ वुमन ऑल्सो इंडिकेट दैट मैन वर्शिप द मदर गॉडनेस। तो वो लोग कुछ कुछ मम्मी लोग की पूजा करने लगे ना, मदर गॉडनेस की। हिम रन द दे, देखो फिर वो क्या, दैट की विद ऑफरिंग टूल्स, वो लोग क्या करते थे, टूल्स, फूड, क्लोथ, ये सब देते थे। लाइक द मैन इज स्टोन एज में, ठीक है। फिर देखो ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स देखेंगे, कपड़े और गहने वो लोग क्या पहनते थे। तो चेलिस्टिक में क्या होता था, मैन यूज ऑर्नामेंट्स वॉन एक्ट, देखो कैसे ऑर्नामेंट्स वो यूज कर, मैन यूज ऑर्नामेंट्स एंड वॉन अट्रैक्टिव क्लोथ, वो लोग अट्रैक्टिव एकदम अच्छे से क्लोथ्स पहनते थे। बोथ मैन एंड वुमेन वर फाउंड ऑफ ऑर्नामेंट्स, वो मैन और वुमेन दोनों ऑर्नामेंट्स पहनते थे। वुमेन यूज नेकलेस ऑफ स्टील, पर्ल्स, ये सब के वुमेन्स बोन, हड्डी के भी ऑर्नामेंट्स बना के पहनते थे। और एज वेल एज वो मैन लोग भी पहनते थे तभी ब्यूटीफुल, वो लोग अच्छे अच्छे फाइन गारमेंट्स पहनते थे, ठीक है बच्चों। अभी देखो सोशल इनइक्वलिटी के बारे में देखेंगे। देयर वेर रिच और पुअर पीपल इन सोसाइटी, क्या अमीर और गरीब लोग थे। दिस इज नोन फॉर द ग्रेव ऑफ द चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन के वजह को भी बताया जाता था। वेल द चिल्ड्रन ऑफ रिच वेर बर्न ऑलमोस्ट, देखो चिल्ड्रन लोग कैसे पहनते थे तभी, तो पूरा वो लोग कॉपर का सब पहनते थे, ठीक है, अराउंड देयर नेक, है ना, वो लोग अपने नेक के आसपास कॉपर का पहनते थे। और पुअर चिल्ड्रन हैव ओनली अर्थन पोट इन देयर ग्रेव्स, वो लोग अर्थन पोट पहनते थे। फिर ये एज में देखो कल्चर हैड मेनली रूल बैकग्राउंड, मैन ऑफ दिस एज लीड टू द लाइफ मोर कम्फर्टेबली, इसमें क्या हुआ, मैन और कम्फर्टेबल लाइफ जीने लगा। बट ही डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग, बट उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था। ही लर्न दिस आर्ट वैन ही बिल्ड सिटीज़, जब ये सिटीज़ में रहने लगे तब उन्हें पढ़ना लिखना आने लगा। वॉज द बिगनिंग ऑफ द ब्राउस एज, तो कौन सा एज था, ब्राउस एज सिविलाइजेशन, ये आप आगे के चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपने सब एजेस के बारे में देखा, कौन से एज में क्या होता था, है ना, कि फिर बाद में किस तरह से स्टोन टूल यूज़ करते थे, किस तरह से रहते थे, किस तरह से एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट की वजह से लाइफ में चेंजेस आई थी, है ना बच्चों, ठीक है। आपने इस चैप्टर में बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन गेन की होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।